लंग्स में कितना लोब होता है, कितना राइट लंग एंड लेफ्ट लंग दोनों होता है, तो राइट लंग में कितना लोब होता है, तीन लोब, ठीक है, इंटीरियर, मिडिल एंड लोअर लंग होता है, ठीक है, एंड लेफ्ट लंग में दो पोर्शन होता है, और इसके बीच में होता है हमारा हार्ट का पोर्शन, है ना, डायफ्राम जो है वो क्या करता है, हमारा बॉडी जो कैविटी है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, बोला था दो पार्ट में, एक होता है हमारा थोरैसिक कैविटी वाला पोर्शन, एक हमारा एब्डोमिनल पोर्शन, तो डायफ्राम क्या करता है, इन दोनों को डिवाइड करता है, एंड लंग्स को एंड हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से क्या है, रिब केज, ठीक है, कितना पेयर्स ऑफ रिब केज होता है, 12 पेयर्स ऑफ रिब केज, तो अब रिब केज क्या करेगा, इसको लंग्स को प्रोटेक्ट करेगा, अब हम लंग्स के थोड़ा सा मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे, कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक है हमारा पैराइटल प्यूरल वाला पोर्शन, एक है हमारा ग्लोमेरुलर वाला पोर्शन, ठीक है, भीतर में थोड़ा सा स्पेस है, ये मत सोच लेना कि भीतर में एयर स्पेस होता है, नहीं होता है भीतर में एयर स्पेस, क्या होता है भीतर में, फ्लूइड होता है, ठीक है, इस फ्लूइड का नाम क्या है, वेरी गुड, प्लूरल फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड का काम क्या है, जब भी हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, एक्सपिरेशन कर रहे हैं, उस टाइम में क्या होगा, ये फ्लूइड जो है ये फ्रिक्शन नहीं होने देगा, किस किस का, दोनों का फ्रिक्शन नहीं होने देगा, अगर फ्रिक्शन होता तो क्या होता, हाइपोक्सिया, मतलब मैम बीमारी होता है वो, ब्रीदिंग में भी दिक्कत आती है मैम, अगर सोच लो कि ये प्लूरल फ्लूइड वाला जो पोर्शन है उसमें मान लो एयर आ गया तो क्या होगा, इमीडिएटली डेथ हो जाएगा, इमीडिएटली, क्योंकि इस पोर्शन में सिर्फ फ्लूइड ही रह सकता है, जैसे कि दो ग्लास का मीडियम, ग्लास का स्लाइड है, उसके बीच में से अगर हम वाटर एक लेयर डाल देंगे तो दो स्लाइड क्या होगा, एक दूसरे के साथ अटैच रहेगा, ठीक है, वैसा ही वाला पोर्शन है, इन दोनों लेयर्स को मतलब बीच में से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर एक दूसरे के साथ रखने के लिए भीतर में फ्लूइड लाइक एक मीडियम, ठीक है, जो क्या करेगा, लंग्स को ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन टाइम में फ्रिक्शन से इसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, अब हम थोड़ा सा होता क्या है कि ठीक है एयर आने पर वो डेथ हो जाएगा, ऐसा होता क्या है कि एयर आने पर डेथ हो गया, क्यों होता है ना, क्योंकि वो भी तो मैम क्योंकि एयर भी तो उन दोनों का फ्रीक्वेंसी एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन जो होगा, अगर फ्लूइड मीडियम रहा तो जितना इसको लुब्रिकेशन मिलेगा, स्मूथ सरफेस मिलेगा, तो एयर आएगा तो क्या वो मिलेगा, उस लुब्रिकेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसीलिए नहीं आ रही गुड क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इसमें एयर नहीं आता है, अब ये डायफ्राम जो है मेड अप ऑफ व्हिच टाइप ऑफ मसल, अब हम थोड़ा सा ये ट्राकिया का पोर्शन को देखेंगे कि ट्राकिया जो है इसमें से सिर्फ एयर जाएगा, इसमें से ये जो हम देख सकते हैं सी शेप का होता है इसको हम बोलेंगे कार्टिलेज, नाम क्या है इसका, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज से मेड अप होता है, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज देखने में क्या सा होता है, सी शेप का होता है, लेकिन ये सी जो शेप है वो हम अगर सामने से देखेंगे तो ये कंप्लीट है, लेकिन अगर हम पीछे से देखेंगे इसका काम क्या है, सिर्फ प्रोटेक्शन देना किसको, ट्राकिया को, ये कार्टिलेज जो है हम लोगों का ब्रोंकल एरिया तक ही होगा, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकल तक ही ये कार्टिलेज होगा, ब्रोंकियोस में कोई भी कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज दे आर द फाइन मतलब बहुत ही ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें कार्टिलेज का कोई भी प्रेजेंस जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं है उसका, ठीक है, नेक्स्ट इसका डिवीजन कैसे होता है,
ब्रह्म काय, ठीक है, इसमें जाके डिवीजन हुआ, फिर थोड़ा सा थोड़ा जाके इसका फर्स्ट डिवीजन आया, नेक्स्ट सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी, देन टर्नरी, वो पर सारा फाइव ब्रांचेस होता है, 25 टाइम्स इसका डिवीजन होता है, एक के बारे में बोल रहे हैं, एक लव्स के बारे में बोल रहे हैं, एक पार्ट के बारे में, तो 25 टाइम्स डिवीजन होने के बाद लास्टली जाके एल्वियोलर डक्ट का पोर्शन आता है, डक्ट का पोर्शन जैसे भी आया उसमें से क्या निकला हमारा एल्वियोलर, मतलब एक बैलून लाइक का स्ट्रक्चर है, ये बैलून जो है वो क्या करेगा बोलो, ये क्या करेगा गैसियस एक्सचेंज में करेगा, मतलब ऑक्सीजन लेना लेना लेना, हां ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्प करेगा। अब ये एक्सचेंज जो है ये पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, ये दोनों पोर्शन से जाएगा। अब पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा, डीऑक्सीनेटेड अब सोचो यहाँ से एयर आ गया, एयर में फ्रेश एयर हम लोगों ने दिया, ऑक्सीजन है जिसमें, अब इसी के ही मतलब इसका जो सेल है, इसका जो मेम्ब्रेन जो है मेटाफॉर्म स्क्वामस एपिथेलियम, अब के लिए हम सिर्फ पढ़ेंगे स्क्वामस एपिथेलियम से ही मेटाफॉर्म, तो क्या होगा गैसियस एक्सचेंज एकदम स्मूथली होगा, क्योंकि सरफेस एरिया हमको ज्यादातर चाहिए, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना अमाउंट ऑफ क्या होगा गैसियस एक्सचेंज मैम एप्रोक्सीमेटली। तो स्क्वामस एपिथेलियम मतलब जितने भी एपिथेलियम होते हैं उसके रिस्पेक्ट में सिर्फ स्क्वामस ही सबसे ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। हां ये क्यों होता है मैम? स्क्वामस एपिथेलियम वाला जो पोर्शन है, स्क्वामस एपिथेलियम का यही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो पोर्शन होता है, मतलब एल्वियोलर पोर्शन छोड़ दे, अगर हम इलियम जब हमने पढ़ा था उस पोर्शन में भी तो एक्सचेंज होता है ना, तो अगर मेम्ब्रेन जो होता है एकदम फाइन अगर होगा तो क्या होगा डिफ्यूजन, हम लोगों ने पढ़ा था डिफ्यूजन, कौन से टाइप ऑफ डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, ये पोर्शन जो है एक्सचेंज जो है वो इजी हो पाएगा। यहाँ पर अगर कोई दूसरा टाइप ऑफ मेम्ब्रेन अगर टिश्यू होगा, क्योंकि टिश्यू नहीं आया इसलिए नहीं होता है, वो अगर आता देन नहीं होता, इसलिए ये मेड अप ऑफ दैट। अब यहाँ पर एक लिखे देखो 80 मीटर स्क्वायर, ये एक लंग्स का जो है वो सरफेस एरिया फुल्ली कवर करता है, एक टेनिस कोर्ट का जितना होता है ना उतना सरफेस एरिया कवर होता है, मतलब गैसियस एक्सचेंज बहुत इजीली होना चाहिए, हर दिन हर टाइम में ही हम गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं, जब ड्यूरिंग हम साइकिलिंग कर रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं तब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा, वेरी मच ज्यादा होगा, जब हम सोए हुए हैं तब थोड़ा सा कम। तो यहाँ पर आते हैं कि ऑक्सीजन हम लोगों ने लिया और यहाँ पर हमारा ब्लड कैपिलरी जो है वो अटैच है, आर्टरी और वेंस दोनों के ही मामले में बोल रहे हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आ गया हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर गया, ठीक है, ये कौन से जाएगा, ये जाएगा हमारा पल्मोनरी वेन से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया फुल बॉडी में, पल्मोनरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट। नेक्स्ट में जाएगा हमारे सेल में, ठीक है, सेल को क्या दे दिया इसने, ऑक्सीजन दे दिया प्लस हीमोग्लोबिन, अब सेल से ये क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन, तो इस लेवल पे एक गैसियस एक्सचेंज हुआ और इस लेवल पे एक गैसियस एक्सचेंज हुआ, दोनों का नाम एक है टिश्यू लेवल से गैसियस एक्सचेंज, एक हुआ पल्मोनरी लेवल का गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। अब जैसे ही ऑक्सीजनेटेड एयर जो है वो अंदर गया उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड जो पार्ट है वो फुल बॉडी को, ये हमेशा याद रखना ब्लड जो है ये फुल बॉडी को ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा, एक्सेप्ट कौन सा वाला पार्ट, कौन से वाले पार्ट को वो नहीं देगा ऑक्सीजन, फुल बॉडी को तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा ना, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फुल बॉडी के सेल्स को ही वो ऑक्सीजन देगा, लेकिन कौन से वाले पार्ट जो है उसको ऑक्सीजन नहीं देगा, लंग्स का पार्ट, क्योंकि लंग्स से ही तो हो क्या है, फिर तो जाके लंग्स को देगा नहीं देगा, तो इसीलिए गैसियस एक्सचेंज जो है ये लंग्स में तब जाके नहीं होगा, फुल बॉडी को होगा एक्सेप्ट लंग्स। मैम ये माना जाता है कि ब्रेन में ब्लड का सप्लाई ज्यादा नहीं जाना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में जाना चाहिए, मतलब वो माना जाता है,
तो फिर क्या होता है कि मान लेते हैं जब कोई बंदा अगर ऐसे अपने सर को ऐसे बेंड कर रहा होता है तो बोलते हैं कि बेंड मत करो, ब्रेन में ब्लड ज़्यादा चला जाता है। तो फिर ये भी होता है कि मैम जब ब्रेन में सही से ऑक्सीजन नहीं जा पाता तो बंदे को चक्कर आ जाता है। ये दोनों को मैम रिलेट करके एक बता दूँगी। अच्छा, उसने जो क्वेश्चन पूछा समझ में आया? ब्रेन में कौन से टाइप का सेल होता है ये पहले समझ लेते हैं। कौन से टाइप का सेल होता है? न्यूरॉन सेल होता है। न्यूरॉन सेल कभी भी डिवाइड होता है? नो मैम। इसमें फाइन ब्रांचेस होता है ना, डेंड्रॉन्स वाला पोर्शन। उसमें क्या होता है कि जो सिग्नल जो है वो ब्रेन में क्या होता है उसका रीडिंग होता है। उसके बाद फुल्ली जो सिस्टम है उसको वो मैसेज पहुंचाता है कि हां अब जाके मुझको ये काम करना है। ठीक है, सो एक एडिक्वेट अमाउंट पे उसको ब्लड जो है वो जाना चाहिए। एंड उसमें न्यूरोग्लियल सेल्स भी प्रेजेंट होता है। अप्रोक्सीमेटली 90% जो है वो न्यूरोग्लियल सेल जो है वो प्रेजेंट होता है ना। यस मैम। अब ब्रेन में ब्लड गया, ठीक है, अब अगर ज्यादा अमाउंट में ब्लड चला गया देन वहां पर काम कितना है? न्यूरॉन्स का सिर्फ मैसेज को रीडिंग करने वाला काम है। उसमें नर्व्स का पोर्शन ज्यादा है, नर्व्स का जो पोर्शन जो है उसमें ज्यादा है। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड चला गया देन ब्लड हेमरेज वाला जो पोर्शन है, जब कभी तुम लोगों ने सुना होगा कि एक्सीडेंट जब जो होता है उसमें ब्लड हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड अगर चला गया देन ब्लड जो है वो क्लॉट करके रह जाएगा, क्लॉटिंग वाला पोर्शन जो है वो चला आएगा। यस मैम। ज्यादातर ब्लड का पोर्शन कहां पर होगा? लिवर में होगा। लेकिन ब्रेन में अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड चला जाएगा देन वो क्लॉटिंग हो जाएगा। एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रहना चाहिए बिकॉज इट इज द मेन पोर्शन ऑफ आवर बॉडी। अगर कहीं पर भी ऐसा भी हो सकता है, एक एग्जांपल सुनो कि ब्रेन में कोई भी अगर नर्व जो है वो डॉक्टर्स को बोलते सुनोगे कि वो सूख गया है ना, उसमें से क्या हुआ, उस छोटे से पोर्शन के गलती से, मतलब उस छोटे से पोर्शन में अगर ब्लड जो है वो नहीं जा रहा है तब बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। कैसा वाला प्रॉब्लम? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है, कुछ मेमोरी जो है वो हट गया। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर में होता है ना प्राइमरी मेमोरी, ये वाला मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो ये मेन मेमोरी वाला पोर्शन जो है वो धीरे 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 करके जम रहा है। तो वो जो है मेन काम जो है वो हमारा ब्रेन का है। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आया, ठीक है, तब जाके क्या होगा, फुल बॉडी जो है वो अफेक्टेड। इसलिए ज्यादा नहीं, नॉर्मल एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई जो है वो होना चाहिए, ठीक है, फुल्ली बॉडी में। मतलब मैम हम ये कह सकते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ही ब्रेन में ब्रेन हमें कोई भी तरीके से ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, कोई भी तरीके से। तो मैम प्लाज्मोडियम फैल्सिकम में ऐसा क्या होता है कि वो ब्रेन हेमरेज कराता है? जबकि मच्छर का 3 स्पीशीज होता है, मलेरिया होने का 3 ऑप्शन, 3 से 4 होता है आई गेस। वहाँ मैम सबसे मैलिग्नेंट वाला होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिकम। तो इस ये एग्जैक्टली क्या करता है जो बाकी 3 नहीं कर पाते ब्रेन में? देखो ये प्लाज्मोडियम जो वाला जो किस्सा है वो तुम लोगों को पता है सर, मलेरिया वाला पोर्शन। यस मैम। उसमें क्या होता है मैम? हेमोसोइन में ज़्यादा रिलीज होता है। हाँ, उसका काम क्या होता है? सेल्स के मस्क्यूटो क्या करते हैं, सेल्स के अंदर हमारे शरीर के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं मैम। हाँ, तो इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पोर्शन जो है ये ब्रेन में जाके अफेक्ट करता है। ब्रेन मेन पार्ट है, सभी का तो अलग अलग जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना। जेनेटिक मतलब सभी का ही अलग अलग सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे कि कोई भी अगर डिजीज जो है वो ब्रेन में जाके अफेक्ट करेगा, कोई भी डिजीज आएगा लीवर में अफेक्ट करेगा, इसका स्पेशल स्पेशल कुछ भी पोर्शन होता है। जैसे कि वायरस का अलग सा ही पोर्शन होता है, वैसे भी इसमें भी ऐसा होता है कि ये ब्रेन में ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर ब्रेन में अफेक्ट हो गया देन क्या होगा, फुल्ली बॉडी जो है उसका इम्यूनिटी पावर एज वेल एज उसका जो मेन सिग्नलिंग वाला पोर्शन है वो कम्प्लीट मतलब खत्म हो जाए। ठीक है, अब आओ इसमें, तो हमने देख लिया कि इसका डिवीजन कैसे होता है। अब जो अगर डिवीजन हो गया इसके बाद क्या आएगा? अच्छा, इसमें से थोड़ा सा तुम लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कितना कितना याद है कि राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, इसमें डायफ्राम जो है इसका मसल का नाम इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन हो रहा है, तो पल्मोनरी जो सिस्टम है जो कल पढ़ाएगी उसमें
एक होता है स्टीम के साथ रेस्पिरेशन, एक होता है गैस के साथ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो स्टीम के साथ को हम क्या बोलेंगे? ब्रोंकियस। अच्छा, जो गैस के साथ होता है ब्रोंकियस। थोड़ा सा ब्रोंकियस के ब्रैंकियल मेम्ब्रेन के और इसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी। यस मैम, डायफ्राम जो है इसमें क्या थोड़ा सा स्पेस है? यस मैम, इसोफेगस को पास करने के लिए। इसोफेगस को पास करने के लिए बोल रहा है। अच्छा, और एक बात, इसोफेगस जो होता है ये डॉर्सल साइड में होता है कि वेंट्रल साइड में? वेंट्रल साइड में। यस मैम, ठीक है। अच्छा, कल हम लोगों ने नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लाइन जो करेंगे पढ़ा था, और इसमें रंजन ने बोला कि हाँ इसमें एक स्पेस होता है, किसके लिए? अभी हम थोड़ा सा पार्ट लिख लेंगे। इस पोर्शन को तुम लोग पहले ही थोड़ा सा पार्ट लिख लो कि क्या क्या होता है। पहले हेडिंग दो,